हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हुए मेट्रो में एक लड़की को देखते हैं और यही हमारे ड्रामा की मेन लीड है। इसका नाम डुहाई है और ये हमें बता रही थी कि स्प्रिंग सीजन अब तक का सबसे अच्छा सीजन है। साथ ही इसकी वॉइस ओवर कहती है कि मैंने सोचा था जैसे मैं चाहूंगी लाइफ बिल्कुल वैसे ही चलेगी, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली सब कुछ बदल गया। इसके बाद हम चेयर अप टीम को देखते हैं जो किसी तरह का एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम लगता है। कुछ स्टूडेंट इसे स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे बहुत सारे लोगों के सामने, लेकिन ये तो सिर्फ वो चारों इमेजिन कर रहे थे, बस वहाँ तो एक भी इंसान नहीं था उनके अलावा। दरअसल ये एक ऐसी टीम थी जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए इनके ग्रुप में भी कोई नहीं आता था। दूसरी तरफ हम डुहाई को देखते हैं जो यूनिवर्सिटी आकर काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद डुहाई उसी जगह पर आती है जहाँ चेयर अप टीम प्रैक्टिस कर रही थी। डुहाई वहाँ आकर एक जगह अपना नाम लिख देती है तो चेयर अप टीम का लीडर डुहाई से कहता है कि वो उसे साफ करे। अब उसने वो मार्कर से लिखा था इसलिए वो साफ नहीं होता, तो वो वहाँ से भाग जाती है। अब डुहाई के जाने के बाद लीडर को ही वो साफ करना पड़ता है और उसे डुहाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दरअसल डुहाई तो बस साफ करने के लिए कुछ लेने के लिए गई थी। डुहाई जब उस जगह आती है, ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है जू। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाहर था, तभी वो डुहाई को देखता है जो अपने दोस्त के साथ थी। तभी डुहाई किसी लड़के से छुपने लगती है, तभी डुहाई वहाँ जिन को भी देखती है। फिर हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ डुहाई अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तभी किसी लड़की का उसे ऑर्डर आता है और वो जिन के पास ब्रेकअप का केक भिजवाती है। ऑर्डर देने के बाद डुहाई जिन की एक फोटो भी खींचती है और यही जिन को डुहाई अच्छी लगने लगती है। बाहर जाने पर डुहाई अपने बॉयफ्रेंड को उसके दोस्त के साथ बात करते हुए सुनती है जो कि कह रहा था कि वो लड़की गरीब है, वो बस उससे पीछा छुड़वाना चाहता है। डुहाई वहाँ छुप रही थी तो वो वहाँ किसी लड़के को रोक देती है ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुन सके। ये सुनने के बाद डुहाई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेयर अप टीम का लीडर कुछ ड्रिंक लेने आया था, तभी वो उसके सामने डुहाई को सोता देखता है तो वो उसके ऊपर कुछ न्यूज़पेपर डालने को जाता है ताकि धूप ना लगे, लेकिन डुहाई को वो साइको लगता है तो वो अपने दोस्त के पास भाग कर आ जाती है। इसके बाद लीडर उसके पास आ कहता है कि वो इतने अजीब तरीके से सो रही थी इसलिए उसने उसके ऊपर पेपर डाले। अब इतना कह वो गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। दरअसल लीडर ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी इसलिए डुहाई ने ऐसा कहा था। तभी उसकी दोस्त उसे एक जगह लेकर आती है जहाँ चेयर अप टीम परफॉर्म करने वाली थी, जहाँ डुहाई के पीछे जिन भी वहाँ आ गया था। डुहाई को वो परफॉर्मेंस देखने में अच्छा लगता है, उनका डांस अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग उन्हें बोरिंग बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब डुहाई वॉशरूम से डांस करते हुए बाहर निकलती है तो उसे जिन देख लेता है। इसके बाद तो हम बाहर कुछ लोगों को उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता हुआ भी देखते हैं जो कह रहे थे कि चेयर अप टीम की थिया टीम को बंद कराया जाए। यहाँ एक लड़का तो इनसे लड़ने भी लगता है, लेकिन कैसे तो लीडर उसे रोकता है। यही हमें 3 भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है कि बहुत पहले उनके ग्रुप में एक बंदा था, उसने 3 भविष्यवाणी की थी जिसमें से 2 सच थी जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। अब लास्ट भविष्यवाणी ही बची हुई थी जिसमें थिया ग्रुप में से कोई मरने वाला है ऐसा कहा गया था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि सीनियर टीचर्स तक इनकी मदद नहीं कर रहे थे, स्टूडेंट तो ऑनलाइन में इनके ग्रुप की बदनामी करने लगे थे। वही हम जिन और उसके दोस्त को देखते हैं जिनका दोस्त कह रहा था कि वो तो इस साल चेयर अप ग्रुप में जाना चाहता है। तभी अब हम सामने से डुहाई को आता हुआ देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से सबके सामने ही ब्रेकअप कर लेती है। इससे उस लड़के को बुरा लगता है और ये जिन भी देख रहा था, वो तो खुश था, लेकिन हम डुहाई को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। यही जिन भी उसे देखता है और उसे उस रात की याद आती है जब वो उसके लिए केक लाई थी, उस दिन भी वो बाहर बैठ कर रो ही रही थी। इसके बाद हम लीडर को देखते हैं जो रूम में आकर यूमिन से मिलता है, लेकिन तभी यूमिन के ऊपर एक लाइट गिरती है और वो मारी जाती है, लेकिन ये सिर्फ लीडर का एक सपना था। रात को जब डुहाई अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रही थी तो वो उसके भाई को स्टडी पर ध्यान देने को कहती है। डुहाई के डैड नहीं थे। हम देखते हैं डुहाई रात को भी पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जो चेयर अप ग्रुप के लोग अपनी टीम में नए लोगों को लेने के लिए बैठे थे, लेकिन कोई भी उनके ग्रुप में नहीं जाना चाहता था, इसलिए एक बहुत पुराना मेंबर इस ग्रुप के सभी लोगों पर नजर रखता है और अच्छे लोगों को ढूंढता है। और उसे डुहाई सही लगती है क्योंकि उसे समझ आ गया था अगर वो आएगी तो जिन भी आएगा और वो तो पॉपुलर भी था, इसका मतलब था कि और भी लोग उनके ग्रुप में आ सकते थे, इसलिए वो बंदा डुहाई
के पास जाता है, लेकिन डुआई तो बात तक नहीं कर रही थी। लेकिन वो कहता है उसे पैसे भी मिलेंगे, तो आराम से डुआई उसकी बात सुनती है। वो बंदा डुआई को एक महीने के लिए उनके चेयरअप ग्रुप में आने के लिए 10 लाख देता है। इसके बाद हम घर पर डुआई को देखते हैं, जो चेयरअप ग्रुप की पुरानी वीडियोस को देख रही थी। उसकी मॉम भी उसे देख लेती है और कहती है उसे भी चेयरअप ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि यही मजे करने के दिन है। नेक्स्ट डे डुआई थिया चेयरअप ग्रुप में जाती है, उसे देख कर जिन भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद हम सभी को ऑडिशन देते हुए देखते हैं, जहाँ बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन डुआई के अंदर टैलेंट था। जब ज्यादा लोग नहीं आए थे, थिया चेयरअप ग्रुप को उन सभी को सेलेक्ट करना पड़ा। इसके बाद सभी को बता दिया जाता है कि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होने वाली है उनकी। सबको ड्रेस भी दी जाती है, लेकिन तभी जिन लीडर से पूछता है क्या उनके ग्रुप में से कोई एक मरने वाला है। लीडर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग की फैलाई गई बस बातें हैं। इसके बाद सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है और सबकी हालत खराब हो जाती है पहले ही दिन में, जिसके बाद सभी को चेयरअप ग्रुप की तरफ से डिनर भी कराया जाता है। यही वो सभी को बताते हैं कि हमारे ग्रुप के 3 नियम हैं। पहला, कैप्टन के रूम में जाना मना है। दूसरा, कि इनकी ड्रेस पहन कर कहीं भी नहीं जा सकते। आखिरी था, टीम में किसी को कोई भी डेट नहीं कर सकता था। जब डुआई जा रही थी तो कैप्टन पूछता भी है उससे कि वो उस ग्रुप में क्यों आई है, क्योंकि उसे पता था वहाँ कोई नहीं आता था। लेकिन डुआई कहती है कि उसे डांस करना पसंद है और चेयरअप ग्रुप भी। इसके बाद हमें डुआई को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ इसके भाई का आज रिजल्ट आने वाला था। डुआई उसे कहती है उसे और मेहनत करने की जरूरत है। वहीं हम रात को कैप्टन को देखते हैं, जिसे भविष्यवाणी वाली बातें परेशान कर रही थी। नेक्स्ट डे डुआई और जू ठकने का नाटक करते हुए क्लास में आ जाती हैं। जिसके बाद जब चेयरअप ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, तो सभी को बताया जाता है कि वहाँ एक और ग्रुप है जिन्हें उनको हराना है। फिर हमें रेड ड्रेस में एक ग्रुप को दिखाया जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। कैप्टन सभी से कहते हैं कि वो 2 लोगों को चुनेंगे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। सभी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम डुआई को इस बंदे के साथ बाहर में देखते हैं, जो उसे पैसे दे रहा था। साथ ही वो डुआई को बताता है कि पास्ट में उनके चेयरअप ग्रुप में एक बंदा ऐसा था जिसने सबसे अलग मूव्स इस्तेमाल किए थे और वो सभी को बहुत पसंद आए थे। दरअसल ये बंदा अपनी ही बात कर रहा था। जब डुआई उस बंदे से बात कर रही थी, तो हमें एक बंदे को उनकी तरफ देखते हुए देखते हैं, और ये भी चेयरअप ग्रुप में ही था। डुआई जब बाहर जाती है तो उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। यह जो लीडर था वो डुआई को उस लड़के के साथ देख लेता है और देखता है डुआई काफी ज्यादा दुखी थी। नेक्स्ट डे डुआई डिलीवरी करने आई थी, तो वो देखती है ये ऑर्डर तो जिन का है, तो वो जाने लगती है तो जिन भी उसके पीछे आता है। डुआई अपने भाई की ट्यूशन फीस भरने आई थी, वो जिन से उसका पीछा करने से मना करती है। तो जिन उससे ट्यूशन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है उसे उसके भाई की फीस भरनी है, इसलिए वो आई है। जिन कहता है क्या मैं दे सकता हूँ फीस। डुआई कहती है क्या वो रिच है। जिन कहता है हाँ। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में डुआई लीडर जैम को देखती है, जो काम कर रहे थे। तभी वो डुआई 2 लड़कियों को देखती है जिन्हें काम के लिए किसी की जरूरत थी। डुआई कहती है वो कर सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो जैम को मैसेज करने कहती है, वो बीमार है। जैम छुट्टी दे देता है, लेकिन जब वो काम करने जा रही थी तो वही बंदा उसे देख लेता है जो बाहर में देख रहा था, और वो लीडर जैम के पास भी आता है कुछ बताने, हमें दिखाया नहीं जाता। इसके बाद हम रात को डुआई को देखते हैं, जो लोगों के घर से कचरा उठा रही थी। तभी वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर आ जाती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था। अब वो बंदा डुआई के साथ ही नीचे आ जाता है। डुआई कहती है उसने तो उसकी मॉम को भी नहीं बताया उसके बारे में। वो कहता है कि उसकी मॉम को पता चला तो वो उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो रिच था, वही डुआई गरीब। इसके बाद नेक्स्ट डे जब डुआई चेयरअप ग्रुप में आती है, तो जैम उसे कहता है कि उसने झूठ क्यों बोला। डुआई कहती है उसे काम पर भी जाना था। यहाँ जैम उसे बहुत ज्यादा डांट देता है, जिससे डुआई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक तरफ वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से परेशान थी और यहाँ ग्रुप लीडर से। जब वो मुंह धोने जाती है, तो फिर से उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान करने वहाँ आ जाता है और डुआई को परेशान करने लगता है। लेकिन जैम आकर उसे दूर होने को कहता है। यहाँ डुआई का एक्स उससे कहता है कि उसे क्या लगा, वो बहुत खूबसूरत है, वो एक गरीब लड़की है, उसे तो बस कुछ टाइम के लिए डेट करना था, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इससे डुआई को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अकेले बैठ कर रो रही थी। तभी जैम उसके खाने के लिए कुछ ब्रेड लाता है। यहाँ जैम डुआई से कहता है कि जब वो स्कूल में था तो उसका फुटबॉल मैच था और उसके मम्मी पापा वहाँ आए थे, लेकिन मेरे पापा नहीं थे, क्योंकि मेरे तो पापा थे ही नहीं और मैं मैच हार गया। इसलिए मैं हमेशा से ये सोचा करता हूँ कि ये सब डैड की ही वजह से हो रहा है। लेकिन हाई स्कूल में मैंने एक और बास्केटबॉल खेला और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन डैड तो मेरे तब भी नहीं थे। जैम कहता है कि मैं फेल डैड की वजह से नहीं हुआ था, मैं अच्छा नहीं खेला था इसलिए फेल हुआ था, लेकिन गलती मैं हमेशा डैड की ही समझता था। दरअसल जैम बस डुआई को कहना चाहता था लोग कुछ भी बोले, उनकी वजह से उसे परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक रनिंग टेस्ट होता है, जिसमें जिन फर्स्ट और
और सेकंड डुआई आती है और ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों की अलग से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो जिन छाता लेते चला जाता है। वहीं जैन और डुआई बैठ कर बातें कर रहे थे। जो दूर से जिन देख लेता है उसे अच्छा नहीं लगता। वहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती है। इसके बाद जैन और डुआई एक रूम में कुछ सामान रखने आते हैं लेकिन वो रूम लॉक हो जाता है। जब जिन दरवाजे की आवाज सुनता है तो वो वहाँ से भागता है। अंडर डुआई का दम घुटने लगता है। जिन आकर उस लॉक को तोड़ता है और जैन और डुआई को साथ देखता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है लॉक में किसी ने ग्लू लगा दिया था। तभी जैन को उसके साथी कहती है, ये तो बिल्कुल उस दिन की तरह है ना। अब हमें फ्लैश बैक में दिखाया जाता है जहाँ हम उन्हीं की टीम की एक मेंबर को वहाँ बंद होता हुआ देखते हैं। इसके बाद जब डुआई अपने लॉकर से कुछ निकाल रही थी तो उसे किसी अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है लेकिन डुआई ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद सभी को बताया जाता है कि उन्हें 50 गानों में से कुछ लाइन्स सोचनी है। यही फिर से ट्रेनिंग के वक्त जिन जैन और डुआई को साथ देखता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रैक्टिस के टाइम कुछ बंदे आकर उनके साथ बैठते हैं जो कुछ खाने का सामान लाए थे। या वो इन सभी को दूसरी टीम के सॉन्ग चुराने का भी बताते हैं। जिसके बाद जैन जिन और डुआई को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए फॉर्म देता है लेकिन डुआई मना कर देती है क्योंकि उसे काम करना पड़ता था। जाते वक्त जिन भी उससे कहता है कि कैप्टन कभी कभी ज्यादा कठोर हो जाता है। इसके बाद जब सभी साथ थे वो दूसरे चेयर अप ग्रुप में घुसने का फैसला करते हैं और जिन जू और डुआई वहाँ आ जाते हैं और कैसे तो चिपक कर अंदर आ जाते हैं। जू और डुआई वो लिस्ट ढूंढने लगते हैं। तभी वो दोनों देखती हैं कि उस रूम में एक बंदा सो रहा था। डुआई देखती है वो लिस्ट बोर्ड उस बंदे के सिर के नीचे था। कैसे तो वो निकालने लगती है। बाहर जिन और उसका दोस्त उन्हें मैसेज करते हैं कि उनकी कैप्टन वहाँ आ रही है। जू तो बाहर आ जाती है लेकिन डुआई तो वहीं रह जाती है। वो टेबल के नीचे थी और वहाँ कैप्टन को किस कहते हुए देख लेती है। कैप्टन उसे देखती है। थोड़ी देर में जैन वहाँ आ जाता है और डुआई को बचाकर बाहर लाता है और कहता है कि वो वैसे ही प्रॉब्लम में है और वो ऐसे करेगी तो ग्रुप अभी बंद हो जाएगा। वो गुस्सा हो जाता है। डुआई को भी ये अच्छा नहीं लगता। वो भी ये ग्रुप के लिए ही कर रही थी। डुआई कह देती है वो भी ग्रुप छोड़ रही है। डुआई वहाँ से चली जाती है। जिन उसके पीछे जाता है और बस में उसके पीछे बैठ जाता है। उसे टिश्यू पेपर देता है लेकिन डुआई देखती नहीं वो कम है। तभी जिन उससे कहता है वो ठीक है ना। घर जाते हुए जिन डुआई से कहता है कि तुम मुझे 3 बार रोती हुई मिली हो, मैं तुम्हें नहीं रुलाऊंगा, बस एक बार डेट करके देख लो। लेकिन डुआई मना कर देती है और चली जाती है। जिन को बुरा लगता है लेकिन वो कहता है ठीक है। इसके बाद कोई लाइब्रेरी में भी डुआई का पीछा करता है। जैन जब देखता है कोई है तो वो वहाँ देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद हम जैन और डुआई को साथ देखते हैं जब जैन उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए था। फिर डुआई भी मान जाती है और कहती है कि उसकी भी थोड़ी गलती थी, अब से वो ऐसा नहीं करेगी। इसके बाद तो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जब वो बाहर थे तो उन्हें एक बंदा जैन के घर लाता है जहाँ डुआई जैन को देखने लगी थी जैसे वो उसे पसंद करने लगी हो। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो अपने दोस्त से कहता है कि वो ग्रुप से निकल जाएगा। यही आज डुआई बहुत खुश थी। जो पूछती है वो इतनी खुश क्यों है। तभी वहाँ दूसरे चेयर अप ग्रुप की कैप्टन वहाँ आ जाती है जो कि गर्लफ्रेंड थी जैन की। अब ये बात पता चलने के बाद डुआई को वहाँ बुरा लगता है। जिन भी ये देख लेता है, उसे भी बुरा लगता है कि कैप्टन ने ये डेट के लिए मना किया था और वही डेट कर रहा है। नेक्स्ट डे भी डुआई बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी ये सोच कर कि दूसरी टीम की कैप्टन बहुत अच्छी है। जब डुआई अपने लॉकर के पास थी वहाँ एक बंदा आकर उससे उसका नंबर ले लेता है ये कहकर कि वो एक लेक्चर में गई थी तो उसे उसका साथी बनाया गया है। यही हम जिन की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक करना चाहती थी लेकिन उनकी मेड ऐसा करने नहीं देती लेकिन फिर भी वो एक बोतल लेकर घर के बाहर आ जाती है। जब वो लिफ्ट में थी तो जिन वहाँ आ जाता है और लिफ्ट में ही डुआई की मॉम भी थी तो जिन की मॉम वो बोतल उसके उनके बैग में रख देती है। रात को डुआई की मॉम उस बोतल का प्राइस देखती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। तभी वहाँ डुआई भी आ जाती है और अपनी मॉम से आज के सारे पैसे मांगती है क्योंकि उसकी मॉम सिगरेट में उड़ा देती थी सारे पैसे। रात को डुआई जिन से कॉल पर बात करती है जहाँ वो उसे उसके पैसे लेने को कहती है। जिन कहता है वो पैसे ना दे, बस उसे खाना खिला दे। दरअसल जिन तो उससे मिलना चाहता था। नेक्स्ट डे डुआई और ज्यादा मेहनत करने लगती है। जब सभी साथ बैठे थे तो दूसरी टीम की कैप्टन को ही देखे जा रहे थे जो काफी कूल है। जिसके बाद हम डुआई और जिन को उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस में देखते हैं। इसके बाद जब डुआई काम कर रही थी उसे फिर से कोई मैसेज करता है। यही जिन डुआई से पूछता है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करती। डुआई कहती है कि वो अमीर है और वो गरीब है तो वो दूर ही रहे तो अच्छा ही होगा लेकिन ऐसा नहीं कि वो बुरा है। वो ठीक है, जैसे डुआई मुड़ती है तो
उसका एक्स दिख जाता है जो उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस बार जिन वहाँ आता है और डुआई का हाथ पकड़ कर कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो अब वो उससे दूर रहे। अब एक्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं जैन को मारने एक बंदा आता है क्योंकि उनके बजट में प्रॉब्लम आ रही थी और उसे लगता है इसमें जैन की गलती है। दरअसल बहुत पहले ही वो जैन से नफरत करता था और एक दिन उसकी एक साथ लड़ाई करते वक्त यूमिंग के ऊपर लाइट गिरी और वो मारी गई थी। इसके बाद सभी की स्टेज प्रैक्टिस शुरू हो जाती है जहाँ अभी कोई डुआई के ऊपर नजर रखे हुए था। इसके बाद जब उन्हें रेडी होना था तभी एक लड़की डुआई की ड्रेस पर ड्रिंक गिराने वाली थी, लेकिन जिन उसे देख लेता है। दरअसल शुरू से ही ये लड़की डुआई से जलती थी कि वो उससे आगे क्यों है। जैन उसे एक आखिरी मौका दे देता है जिसके बाद कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है और एक चेयर अप ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद थिया चेयर अप ग्रुप की बारी थी। थिया का परफॉर्मेंस शुरू होता है और इस बार सभी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। फर्स्ट राउंड काफी अच्छा होता है, सभी खुश थे। दूसरे राउंड में भी सभी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम किसी को देखते हैं जो अंदर कंट्रोल रूम में जाकर एक लाइट वायर काट देता है जिससे वो नीचे गिरने ही वाली थी कि दूसरी टीम की लीडर चिल्लाती है और जिन जल्दी से डुआई को बचा लेता है क्योंकि उस लाइट के नीचे वही थी। ये बिल्कुल पास्ट की ही तरह था। जैन कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। जब तक वो पहुँचता है वहाँ जो भी था वो भाग जाता है। ऐसा ही बिल्कुल यूमिंग के साथ भी हुआ था। चेक करने पर पता चलता है कि वो लाइट ऐसे ही नहीं गिर सकती। जैन को यहाँ पूरा शक था कि किसी न किसी ने इसे जानबूझकर गिराया है। इसके बाद रात को हम सभी को पार्टी करते हुए देखते हैं। जू डुआई से कहती है वो मरने से बची है फिर भी इतनी ज्यादा खुश है। डुआई कहती है वो बची है तभी तो खुश है। यहीं सभी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ यून की बहन आती है जिसे एक सीनियर मेंबर देखा ही जा रहा था। इसके बाद जब डुआई बाहर आती है तो जिन उससे बात करता है और कहता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। तभी जैन भी वहाँ आ जाता है। तभी डुआई जमीन पर से कुछ उठाती है जबकि वहाँ कुछ नहीं था और जैन से कहती है उसकी थोड़ी सी अच्छाई गिर गई थी, उसने उठा दी। जिन तो हंस रहा था। इसके बाद हम चश्मे वाले बंदे को देखते हैं। जब योंग जिसका ये बार था वो सभी के पास जाता है तो वो चश्मे वाला बंदा वहाँ रखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की फोटो खींच लेता है। यहीं सभी के बीच यूमिंग की बातें भी होती है जो कि जैन का पहला प्यार था। इसके बाद जब सभी जा रहे थे यहाँ वो सीनियर जिसे यून की बहन पसंद थी वो उसका नंबर ले लेता है, वो खुश होता है। तभी यून उससे कहती है वो डैड का नंबर है। वहीं बाहर आते ही डुआई नौटंकी करने लगती है तो जिन और जैन उसे साथ घर छोड़ने जाते हैं जहाँ गाड़ी में डुआई दोनों को परेशान कर देती है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर जैन और डुआई को पार्टनर बना देते हैं, लेकिन दोनों के सवाल जवाब में जमीन आसमान का अंतर था। जैन कहता है शादी के लिए जरूरी क्या है, डुआई कहती है पैसा, जैन कहता है प्यार। वहीं जू जिन से पूछती है उसे कैसी पार्टनर चाहिए, जिन कहता है जिसे पैसा पसंद हो। वहीं हम जिन की मॉम को देख पाते हैं जो डुआई की मॉम की छोटी सी शॉप पर आई थी और उनकी बोतल वापस देने को कहती है। डुआई की मॉम कहती है कल वो ले आएगी। इसके बाद हम सभी को कहीं ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं जहां जिन डुआई को नहीं देखता तो जू से पूछता है, वो कहती है कि वो कैप्टन के साथ आ रही है। वहीं हम जैन और डुआई को साथ आते देखते हैं जहां डुआई सो रही थी तो जैन उसके लिए अपनी जैकेट खोल रखा था, ठंड थी इसलिए। तभी वहां कुछ खाने वाला आता है जिसकी आवाज सुनकर डुआई जग जाती है और जैन से कहती है उसने आधी जैकेट क्यों खोली है। रात को जब दोनों होटल के पास पहुंचते हैं तो डुआई को चोट लग जाती है, जैन बैंडेज लगा देता है। वहां बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहां जिन अम्ब्रेला लेकर आता है और दोनों को साथ लेकर आता है। जैन और डुआई लड़ रहे थे तो वो उन्हें छोड़कर अकेला ही होटल आ जाता है। हम देखते हैं सभी लोग साथ ड्रिंक करते, खाना खाते, सभी बहुत खुश थे। यहाँ पर जू डुआई और योन जिल साथ डांस भी करते हैं। इसके बाद रात को जब जिन अकेला था उसके पास डुआई आती है और जब वो साथ थे जिन वहाँ किसी को उनके ऊपर नजर रखते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है। वो एक फोटोग्राफर था इसे डुआई जानती थी। इसके बाद वो बंदा एक वीडियो अपलोड कर देता है प्रूफ फंसी को लेकर, जिसके बाद जैन को भी पता चलता है कोई अनजान बंदा डुआई को मैसेज कर रहा था। इसके बाद जब सभी आग जला कर बैठे थे वहाँ यून सभी को यूमिंग के बारे में बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो कहीं चली गई, कभी उसे किसी ने नहीं देखा। जब बस से जैन और सभी जा रहे थे तभी उसे किसी के मैसेज आते हैं। नेक्स्ट डे जब डुआई प्रैक्टिस के लिए आती है तो वो वहाँ यूमिंग को देखती है। इसके बाद जब सभी साथ थे तो हम देख पाते हैं सभी लोग चेयर
अब ग्रुप छोड़कर चले गए थे। अब बस कुछ ही लोग बचे थे। यहाँ जिन भी वो ग्रुप छोड़ देता है। घर जाते वक्त जिन को लेने एक लड़की आती है, तो योंजिल कहता है वो उसकी नई गर्लफ्रेंड होगी। वहीं हम जैन को देखते हैं, जिसे डुआई की कुछ ज्यादा ही फिक्र होने लगी थी। तभी वो वहाँ एक बंदे को देखता है जो पैरों से चलाने वाला स्कूटर लेकर आ रहा था। जैन डुआई को बचाने के चक्कर में गिरा देता है और वो स्कूटर वाला बंदा तो बहुत दूर से ही निकल जाता है। वहीं हम मिन को देखते हैं, उसे चश्मे वाले बंदे को, जो डुआई से कहता है वो या पैसे तो ले ले या फिर ग्रुप छोड़ दे, अगर उसने इसे नजरअंदाज किया तो वो सबको बता देगा। वहीं हम डुआई की मॉम और जिन की मॉम को देखते हैं, जो एक साथ ड्रिंक करने लगती है और स्कूल की बातें करने लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानती थी। इसके बाद डुआई को तो उसके लॉकर में यूमिन की फोटो वाला एक पूरा मैगजीन भी मिलती है। इसके बाद हम यूंगसू को देखते हैं, जो जैन से कहता है उसे अब तो स्टाफ भी नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा। तभी वहाँ यूमिन आ जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। इसके बाद अकेले रूम में जाकर जैन यूमिन से बात करता है। यूमिन कहती है उसने उससे कहा था वो उससे मिलने जरूर आएगी, तो वो आ गई। जब सभी प्रैक्टिस कर रहे थे तो डुआई दूर जिन को देखती है। इसके बाद डुआई उससे मिलती है। जिन कहता है वो बस वहाँ से निकल रहा था तो रुक गया था। डुआई उससे कहती है उसे वापस आना चाहिए। जिन कहता है कि मेरा मन नहीं लगता और ज्यादा बात नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। रात को जब योंजिल और चॉय जा रहे थे, वहाँ चॉय का एक्स आकर उसे मारता है। बदले में चॉय उसे बहुत मारती है और योंजिल वीडियो बना लेता है। इसके बाद हम डुआई के एक्स को देखते हैं, जो पार्टी में उसकी गर्लफ्रेंड बनने को नाटक करने को कहता है। डुआई मना कर देती है, लेकिन रात में पार्टी में डुआई के एक्स का उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डुआई वहाँ आ जाती है उसकी मदद करने। वहीं हम जिन को भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखती हैं, लेकिन उसका ध्यान तो सारा डुआई के ही ऊपर था। जाते वक्त डुआई का एक्स उसे पैसा देता है, तो डुआई नहीं लेती और कहती है उसने अच्छा बिहेव किया, यही बहुत है। नेक्स्ट डे हम डुआई को देखते हैं, जो सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए आ गई थी। जहाँ जिन भी आ गया था वापस से चेयर अप ग्रुप में, फिर से सभी पूरी एनर्जी से अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। रात को सभी एक बार फिर से पार्टी करते हैं। तभी डुआई मिन को और यंग को बाहर बुलाती है और मिन के सामने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है, जिसका मतलब था उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे चेयर अप ग्रुप में रहना था। इससे तो यंग भी बहुत खुश होता है। वहीं जिन की गर्लफ्रेंड उसे कॉल करके बहुत बुरा भला बोलती है। तभी डुआई को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो जल्दी से भागती है। उसका फोन भी गिर जाता है, जिसे कोई उठा लेता है। तभी जब सभी को पता चलता है कि डुआई का फोन नहीं लग रहा, सभी उसे ढूंढने लगते हैं। जैन को वो बाहर मिल जाती है और वो उसे गले लगा लेता है। डुआई तो कहीं खो ही जाती है। तभी वहाँ जिन आकर जैन से कहता है कि उसे वॉइस कैप्टन बुला रही है, जो कि यूमिन थी। जिसके बाद जिन के साथ डुआई पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ उसका भाई था। उसने एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को मार दिया था, इसलिए वो केस करने वाले थे। लेकिन डुआई घुटनों पर बैठकर इस अमीर फैमिली से माफी मांगती है, लेकिन वो लोग तो सुनते भी नहीं। जेई अपनी बहन को रोकता है, लेकिन डुआई गुस्से में उससे कहती है क्या उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए, उसे अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करनी है। अब गुस्से से जेई भी कहता है वो उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे। इसके बाद हम की चान को यून से बात करते हुए देखते हैं, जिसे उसकी बहन का नंबर चाहिए था, तो वो कहती है वो उसकी बहन से बात कर लेगी। इसके बाद की चान टू टीम बनाता है, एक में जिन मिन और जू थी, वहीं दूसरी में किम और डुआई थी, जिसमें से जो भी जीतेंगे वो स्टेज पर परफॉर्म करेंगे। यूमिन यहाँ डुआई को उसका फोन दे देती है, क्योंकि उसे उस दिन उसका फोन मिला था। इसके बाद डुआई जैन को गले लगाने का रीजन पूछती है, तो जैन कहता है ये तो आम बात है, और फिर से उसे गले लगा लेता है। लेकिन डुआई को तो अब कुछ होने लगा था। तभी वहाँ यूमिन आती है और जैन उसके साथ चला जाता है। यूमिन जैन से कहती है वो डुआई को पसंद करता है ना। यही हम दूसरी तरफ जिन और डुआई की मॉम को एक साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं। और जब जिन की मॉम वापस आ रही थी, तो वो उल्टी करने वाली थी उसके घर पर। तभी डुआई उन्हीं का बैग उनके मुंह के आगे कर देती है, जिसमें वो उल्टी कर देती है। साथ ही डुआई उन्हें थोड़े पैसे भी दे देती है। डुआई अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ दोनों ही जेही के वजह से परेशान थी। रात को जिन जे से मिलने आता है। यही जिन जे से कहता है कि वो उसका पुलिस रिकॉर्ड क्लीन करने में उसकी मदद कर सकता है। वहीं हम जैन को देखते हैं, जो मीटिंग के बाद सभी को गले लगा कर बाय करने को कहता है। सभी टीम मेंबर को ये काफी अजीब लगता है। जिसके बाद जब जू जिन मिंग प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, तो जू देखती है मिन कुछ नहीं कर रहा था। तभी डुआई वहाँ आकर खुश होते हुए कहती है किसी ने उसके भाई का पुलिस रिकॉर्ड क्लीन करवा दिया, उसे नहीं पता था ये जिन ने किया था। इसके बाद जब हम यूमिन को देखते हैं, जिसे पुरानी मेमोरीज याद आने लगी थी, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। जल्दी से जैन आकर उसे उसकी टैब
टैबलेट दे देता है वो ठीक होती है। जैन को यूमिन के साथ देखकर डुआई को अच्छा नहीं लगता। ये जिन भी देख लेता है। रात को जिन डुआई से मिलता है, जहाँ डुआई उससे कहती है उसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन कहता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोगों को लगता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम मीन के लैपटॉप में उसकी और यूमिन के साथ फोटो देखते हैं। इसके बाद हम यूमिन और जैन को एक लेडी के पास देखते हैं, जहाँ वो उसकी वीडियो भी बनाते हैं। वो लेडी बताती है कि वो अपने 20s में बहुत ही डरी हुई रहती थी, कभी लोगों से कभी खुद की ही फीलिंग से। इसलिए उसे लगता है उसे उसके 20s को खुलकर जीना चाहिए था। वो कहती है फीलिंग्स छुपाने से कुछ नहीं होता, अगर कुछ नहीं कर पाए इस वक्त में तो तुम्हें हमेशा रिग्रेट रहेगा। वापस आने पर जैन उसके रूम के बाहर कुछ फोटोज को देखता है जिसे किसी ने लगाया था। नेक्स्ट डे जू जैन से शिकायत करती है कि वो कुछ नहीं करता। जैन मिन से बात करता है तो देखता है उसने बहुत सारी तैयारी की हुई थी जो जैन सभी को बताने को कहता है। वहीं जैन उसकी बुक पर कोई नंबर देखता है और उसे कुछ याद आता है। उसे एक यूजर नेम याद आता है और वो मिन का ही था। रात को डुआई जैन से मिलती है। उसे लगा था वो अपनी फीलिंग्स बताएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जब सभी नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो जैन मिन को मैसेज करता है और कंफर्म कर लेता है वही है जो मैसेज कर रहा था। इसके बाद सभी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ जिन गिर जाता है। जब जैन उसके पीछे आता है तो जिन जैन से कहता है कि अगर उसे किसी के लिए फीलिंग्स है तो उसे परेशान करना जरूरी है, वो जो भी है बोलकर खत्म क्यों नहीं करता। ये सब डुहाई भी सुन रही थी। तभी जैन को यूमिन दिखती है और वो वहीं चला जाता है, लेकिन डुहाई उसके पीछे जाकर जैन का हाथ पकड़कर कहती है उसे अच्छा नहीं लगता जब भी वो यूमिन के साथ होता है। डुहाई आगे बोलने ही जा रही थी कि कैप्टन मैं, इतने में ही जिन आकर उसका हाथ पकड़ ले जाता है। यही हमें जिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो एक एक्वेरियम में था, जहाँ एक लड़की बच्चों को बता रही थी कि सी हॉर्स पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ बिताते हैं। इसके बाद जब जिन गाड़ी में अपने पेरेंट्स के साथ था तो वो अपने डैड से पूछता है कि क्या वो भी सी हॉर्सेस की तरह पूरी जिंदगी मॉम के साथ ही रहेंगे। वो हाँ कहते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं वो जिन की मॉम को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद हम जिन के हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है तो वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ जिन डुआई का हाथ पकड़ ले जा रहा था। वो डुआई से कहता है कि तुम मुझे नहीं देख सकती। डुआई कहती है क्या? जिन कहता है प्रैक्टिस करनी है इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती। डुआई कहती है मुझे तो लगा तुम प्रपोज कर रही हो। जिन कहता है फिर सब खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं जैन का साथी उसे उसकी वीडियो दिखाता है और कहता है वो ऐसा क्यों कर रही है। जैन कहता है उसे सच्चाई का पता लगाना है। नेक्स्ट डे डुआई उसी बार में काम करने को आती है जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तभी वहाँ जैन भी आ जाता है और इसके साथ यूमिन भी वहाँ आई थी। यूमिन काम के बाद डुआई से उसकी मदद करने को कहती है। जब काम के बाद डुआई यूमिन के साथ काम कर रही थी तो यूमिन उससे पूछती है क्या उसे जैन पसंद है। डुआई कहती है हाँ। वहीं हम जैन को टीम में से एक मेंबर से मुक्त हुए देखते हैं जो चस्त लगाया करता था। जैन उससे कहता है वही मैसेज भेज रहा था ना। वो बंदा कहता है हाँ, क्योंकि उसे डुआई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैन उससे फोटोज के बारे में पूछता है जो उसे उसके घर के बाहर मिली थी। तो वो बंदा कहता है उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हम डुआई और जिन को साथ काम करते हुए देखते हैं। जहाँ जिन वॉशरूम जाता है तो वहाँ डुआई के पास जैन आ जाता है और उसकी मदद करके चला जाता है। इसके बाद रात को एक रूम में कोई आता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चालू हो जाती है और जैन आकर देखता है ये वही बंदा था जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। लेकिन वो कहता है वो पहली बारी वहाँ आया था इसलिए जैन उसे इस बार छोड़ देता है। जैन के साथी कहती है अगर उसने कुछ किया भी नहीं होगा तो भी उसके खिलाफ उनके पास सबूत रहेगा, इसलिए जब वो कुछ नहीं करेगा। हम जैन को देखते हैं जिसने उन सभी के नाम पर मार्क किया था जिनके ऊपर उसे शक था। वो अब सभी के ऊपर नजर रखे हुए था। वहीं हम उनकी टीम के मेंबर को देखते हैं जो उसके साथ वाली लड़की से पूछ रहा था कि उसकी बहन बीमार है क्या, क्योंकि वो उसकी बहन को पसंद करता था, लेकिन वो कहती है कि वो अपना काम करे। वहीं हम जू को देखते हैं जो जिन से कह रही थी कि वो सही से प्रैक्टिस करे, लेकिन वो तो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसे जैन भी देख लेता है। इसके बाद हम बार वाले बंदे योंग को देखते हैं, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे डेट करने को कहती है जिससे वो खुश हो जाता है। वहीं हम जिन को देखते हैं जो डुआई के भाई जेई से मिलने आया था। यहाँ जब जिन इससे उसकी बहन के बारे में बात कर रहा था, जेई उससे कहता है कि वो तो उसे फेमस लगता है, फिर वो उसकी बहन को पसंद क्यों करता है। जिन कहता है वो अच्छी है और हार्ड वर्किंग भी है इसलिए वो उसे पसंद करता है। नेक्स्ट डे हम डुआई और जू को देखते हैं, जहाँ डुआई जू से कहती है
कि वो अब से जैन के सामने नॉर्मल बिहेव करेगी। लेकिन हम देखते हैं वो जैन के सामने आते ही डुआई काफी अजीब बिहेव करती है कि जैन को भी कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद हम डुआई को मोटिवेशनल सुनते हुए और योगा करते हुए भी देखते हैं। इसके बाद हम डुआई को देखते हैं जो अपने भाई को गिफ्ट देकर कहती है कि उस लड़के को वो दे दो जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। उसका भाई मना कर देता है और कहता है कि उसे पता भी है उसने उसे क्या कहा था जो उसने उससे लड़ाई की। उसने कहा था तेरी बहन को पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तो वो मेरे साथ भी आ जाएगी। ये सुनकर उसकी मॉम जेई को थप्पड़ मारती है और डुआई से माफी मांगने को कहती है। जेई गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम डुआई को देखते हैं जिसका प्रैक्टिस में ध्यान नहीं लग रहा था। जब डुआई अकेले बैठी थी उसके पास जेन आता है और उसका मूड ठीक कर देता है। वहीं जू चश्मे वाले बंदे को प्रैक्टिस करा रही थी, वो काफी अच्छा कर रहा था लेकिन फिर वो गिर जाता है। और जब वो अपना मुंह धो रहा था तभी जू उसे टॉवल देती है और उसे देखती ही रह जाती है और कहती है कि ये इतना हैंडसम कैसे है। अब जिन लोगों ने प्रैक्टिस की थी उसके लिए ऑडिशन होने थे जिसमें से एक टीम को चुना जाना था और जिन जू की टीम जीत जाती है मतलब सिलेक्ट होती है, वहीं डुआई की टीम सिलेक्ट नहीं होती है। इसलिए चुवी जो उसकी सीनियर थी वो साइड में जाकर इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ टीम का एक मेंबर जो कि जिन का दोस्त भी है वो उसके पास आ जाता है। दरअसल ये चुबी को पसंद करता था लेकिन उसे बताया नहीं था। इसके बाद जब यू मिन जा रही थी वो उसी बंदे को देखती है जिससे जैन की लड़ाई होती रहती थी। वो बंदा यू मिन से कहता है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है इसलिए वो वहाँ से चली जाए। इसके बाद हम सभी को फेस्टिवल की तैयारी और प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इसके बाद जैन सभी को टी शर्ट भी दे देता है क्योंकि कल उनकी परफॉर्मेंस थी। जहाँ जू सभी दोस्तों से कहती है कि अगर फेस्टिवल से पहले हाफ मून नाइट देखी तो वो हमेशा एक साथ रहते हैं। ये सुन जिन का दोस्त चोई को रात को किसी काम से मिलने को कहता है। घर पर डुआई अपनी मॉम को टिकट देकर कहती है वो चाहे तो उसका परफॉर्मेंस देखने को आ सकती है। जेई को लेकर डुआई के जाने के बाद उसकी मॉम खुश होती है। वहीं जिन घर पर अपनी मॉम को संभाल रहा था। उसकी मॉम की आज एनिवर्सरी थी लेकिन उसके डैड तो उसकी मॉम की तरफ देखते भी नहीं और इसलिए उसकी मॉम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वहीं हम यू मिन को देखते हैं जो किसी को मैसेज करती है और हम इस ओर किसी को देख भी पाते हैं लेकिन शक्ल नहीं दिखाई जाती। वहीं रात को खुश होकर जिन का दोस्त चोई के लिए तैयारी करता है लेकिन तभी वो देखता है वो तो किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आई थी जो कुछ दिन पहले ही बना था। इसलिए जिन का दोस्त कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता है और अकेले बैठकर बहुत रोता है क्योंकि कुछ देर पहले वो बहुत खुश था। इसके बाद हम रात को डुआई और जिन को एक साथ स्काई देखते हुए देखते हैं। यहाँ जिन डुआई से कहता है कि वो जानना चाहती है ना उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। जिन बताता है उसे उसके डैड पसंद नहीं, वो बहुत बुरे हैं। यहाँ जिन इमोशनल होकर रोने लगता है। डुआई को शुरू में वो मजाक लग रहा था। वो उसे रोता देख उसे गले लगा कर चुप होने को कहती है। दोनों को ऐसे साथ जैन भी देख लेता है, साथ ही कोई दूर से डुआई और जिन की फोटो भी ले लेता है और केवल की तैयारी करते हुए देखते हैं जहाँ जिसे फ्रंट पर परफॉर्म करना था उन्हें उनकी ड्रेस मिलती है यानी जिन मिन और जू को। वहीं हम जिन की मॉम को देखते हैं जिसकी मेट सफाई करते वक्त एक टिकट उठा कर रखती है जो जिन की मॉम को मिल जाती है और ये फेस्टिवल परफॉर्मेंस देखने की ही टिकट थी। वहीं सभी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे और डुआई तो जिन को देखकर रात के ही बारे में सोच रही थी। वहीं चोई जिन को उसकी रात की फोटो दिखाती है जो डुआई के साथ थी जो किसी ने छिप कर खींच ली थी। तभी वहाँ जान आ जाता है इसलिए चोई जिन को यहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद जब जान डुआई के पास आता है तो वो कहती है कि वो उसे पसंद करती थी। हम की चान को देखते हैं जो यून से कह रहा था उसकी बहनें भी फेस्टिवल में आ रही हैं। यून कहती है हाँ। हम यहाँ यून का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं जहाँ यून अपनी बहन को कह रही थी कि वो की चान के मैसेज को इग्नोर ना करे। दरअसल उसकी बहन की चान को पसंद करती ही नहीं थी। वहीं हम जैन की मॉम को देखते हैं जो जैन के लिए खाना लाई थी। उन्हें नहीं पता था जैन चेयर अप ग्रुप का लीडर ही है। वहीं हम यूमिन को देखते हैं जो उसी बंदे से मिलती है जिसने जिन और डुआई की फोटो खींची थी। ये बंदा ब्रॉडकास्टिंग क्लब में था। यहाँ ये बंदा बताता है कि कोई ऐसा चेयर अप ग्रुप में है जो चेयर अप ग्रुप को बंद कराना चाहता है। यूमिन के पास भी उस बंदे का नंबर था तो वो उसे मैसेज कर देती है कि वो जानती है वो यही है उसे उससे मिलना है। वहीं हम जू को देखते हैं जो जैन की जो कि लीडर था उसकी ड्रेस पहनकर मस्ती मजाक कर रही थी पर तभी वो ड्रेस फट जाती है। अब मिन कहता है वो जैन को बता देगा। जू उसे रोकती है तो मिन से वो और फट जाती है। फिर क्या होना था वो नहीं बताता और जू उस फटी हुई ड्रेस को लेकर ठीक करने लग जाती है। तभी जैन सभी को मीटिंग रूम में बुलाता है। दूसरी तरफ जैन को उसकी मॉम वहाँ मिल जाती है जो जैन पर गुस्सा करती है उससे ये सब छिपाने के लिए। वहीं मीटिंग रूम में सभी डरे हुए थे। सभी को लग
रहा था। जैन को ड्रेस के बारे में पता चल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। दरअसल वो जिस सॉन्ग पर प्रैक्टिस कर रहे थे, उसे जिसने बनाया था वो बंदा अरेस्ट हो गया था, इसलिए वो भी अब उस सॉन्ग को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं। अब सभी अकेले बैठकर नया म्यूजिक बनाने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें म्यूजिक बनाने वाला चाहिए था, तो इसके लिए ना चाहते हुए भी डुआई को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाना पड़ता है, और उसके लिए भी ये कहना कठिन था। लेकिन उसका सीनियर वहाँ आकर उस काम को जल्दी खत्म कर देता है। वहीं हम जैन को देखते हैं, जो यूमिन से कह रहा था कि वो ऐसे ही कहीं भी ना जाए, उसे खतरा हो सकता है। दरअसल यूमिन अकेले ही उस बंदे से मिलने चली गई थी, वो उसे मैसेज कर रहा था। वहीं हम डुआई की मॉम को जेई के साथ देखते हैं। उसकी मॉम उसके भाई से कह रही थी कि वो डुआई से माफी मांग ले, इससे कुछ नहीं होगा, उसे अच्छा लगेगा बस। वहीं हम जैन को देखते हैं, जो सभी को उनकी ड्रेस देता है, क्योंकि अब उन सभी को परफॉर्म करना था। इसके बाद सभी लोग स्टेज पर आ जाते हैं। सभी लोग नर्वस थे उनके सामने बहुत सारे लोगों को देखकर। वहीं जैन की मॉम और डुआई की मॉम और जिन की भी मॉम आई हुई थी, जिन्हें अपने बच्चों को इस तरह देखकर अच्छा लगता है, वो सभी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं यूमिन उस बंदे को मैसेज करती है जिससे मिलने को उसने कहा था, तो वो देखती है उसी वक्त वहीं का एक बंदा अपना फोन देखता है। दूसरी तरफ सभी बहुत खुश थे। इसके बाद स्टेज पर एक बंदा आकर एक सॉन्ग गाता है। वहीं हम जिन को देखते हैं, जो उसी वक्त डुआई से कह देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। जिन कहता है, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था, लेकिन पहली बार एक तरफा प्यार हो गया। इसके बाद जैन स्टेज पर आकर सभी से कहता है कि जो भी उनके ग्रुप की अफवाह बनाता है, अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आकर बात करे। जिसके बाद उनका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जैन की ड्रेस फट जाती है, तो वो उसे दूर फेंक देता है। परफॉर्मेंस के बाद जू ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसे पता ही नहीं था कि ड्रेस फटी हुई थी। वो कहती है कैप्टन कूल है। तभी यून की बहन भी की चान से मिलने आती है और चली जाती है अपने दोस्तों के साथ। जैन वापस से आने पर एक फोटो देखता है और एक जगह पर भाग कर आता है और कहता है कि वो छिपा क्यों है। जो भी है वहाँ, हम वही छत पर एक बंदे को देखते हैं जिसे जैन देख नहीं पाता। और तभी वहाँ चोई और उसके टीम मेंबर आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं जब सभी साथ थे, उनके पास जिन की मॉम आ जाती है। जिन उन्हें जाने को कहता है कि तभी वहाँ डुआई की मॉम भी आ जाती है, और दोनों की मॉम के बीच थोड़ी सी लड़ाई चल रही थी हमेशा की तरह, और यहाँ भी वो चालू हो जाती है। साथ ही जेई डुआई से कहता है वो स्टेज पर अच्छी लग रही थी। इसके बाद सभी मिलकर पार्टी करते हैं, जहाँ डुआई जिन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसके भाई की मदद की थी, उसके भाई ने उसे बता दिया था। जिसके बाद सभी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, और जब डुआई वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ वही बंदा दिख जाता है जो सभी पर नजर रखता था। डुआई उससे कहती है कि वो गर्ल्स टॉयलेट में क्या कर रहा है, वो नशे में थी। तो वो कहता है वो मेंस टॉयलेट है। साथ ही वो पूछता है क्या उसके और कैप्टन के बीच कुछ चल रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो बाहर जाती है और वापस से उसी टॉयलेट में आ जाती है, जिसके बाद सभी ड्रिंक करके लुढ़क जाते हैं। और जब सभी की आंखें खुलती हैं, वो बीच के पास होते हैं। सभी सोचने लगते हैं वो रात को तो यून के बार में थे। यून सभी को बताती है कि रात को जब सभी ने ड्रिंक कर रखी थी, सभी नशे में थे, तभी प्लान बन गया था यहाँ आने का। यून ने गाड़ी करवाई और सभी यहाँ आ गए। सभी बीच पर आकर बहुत खुश थे। साथ ही जैन की मॉम भी अब उससे ज्यादा गुस्सा नहीं थी। इसके बाद सभी साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। इसके बाद तो जैन की मॉम सभी को काम कराने के लिए मार्केट भी ले जाती है, जहाँ हम डुआई को देखते हैं जो बहुत अच्छे से सेलिंग कर रही थी। वहीं यून बैठा था जिसका मूड ठीक नहीं था, तो डुआई उससे पूछ लेती है क्या हुआ। तो वो कहता है उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा है। तो डुआई कहती है क्या वो लड़की है ना। यून कहता है वो सीरियस है। इसके बाद डुआई को अचानक कल रात की कोई बात याद आ जाती है, उसने किसी को किस किया था, लेकिन उसे नहीं पता था वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ हम जून और मिंग को देखते हैं, जो कि जून के घर पर थे, क्योंकि जिस टाइम सभी जा रहे थे मिंग होश में नहीं था और मिंग सो रहा था। जिसके बाद मिंग जू के पेरेंट्स के साथ ही ब्रेकफास्ट करता है, जहाँ जू की मॉम कहती है वो तो कॉलेज जाते ही बॉयफ्रेंड बनाने वाली थी, अगर ऐसा ही रहा तो उसे उसके पहले ही बॉयफ्रेंड से शादी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम भूषान में सभी को काम करते और थके हुए देखते हैं। तभी जिन को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो पूछती है कि वो कहाँ है। जिन कहता है भूषान में गलती से आ गया। इसके बाद हम मिन और जू को देखते हैं, जो घर पर बैठकर बात कर रहे थे। उसके रूम में तो उसके डैड उन पर नजर रखने के लिए बाहर विंडो की सफाई करने लगते हैं, तो जू अपनी मॉम को आवाज देती है। वहीं डुआई अब भी परेशान थी कि वो
कौन है जिसने उसे किस किया था। वही चोई और यू मिंग एक साथ काम कर रही थी, तभी यू मिंग गिरने वाली थी कि उसे चोई बचा लेती है। दरअसल हमेशा से चोई यू मिंग की मदद किया करती थी। वही मिन जू के घर से जा रहा था। इसके बाद हम चेयर अप ग्रुप को देखते हैं जो साथ मिलकर वहाँ परफॉर्म भी करती है, जो कि सभी को अच्छा लगता है। जिसके बाद सभी रात को ड्रिंक करते पार्टी करते हैं। इसके बाद जब सभी समुन्द्र किनारे बैठे थे, यहाँ जैन डुआई से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, और तभी वहाँ जिन उसे बुलाता है। फिर डुआई को याद आ जाता है जिन ने उसको किस किया था, इसलिए वो कहती है उसे वॉशरूम जाना है। फिर वो अकेले में जाकर खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो पागल है क्या। जिसके बाद सभी बस में चले जाते हैं, जहाँ जिन और जैन दोनों ही उसके लिए जगह बनाते हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं बैठती। जब जिन घर आता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अब चेयर अप ग्रुप छोड़ दे और दूसरी चीजों पर भी ध्यान दे, लेकिन जिन ऐसा करना नहीं चाहता था। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर वो चेयर अप ग्रुप में गया तो उसका क्रेडिट कार्ड बंद करवा देगी, लेकिन जिन नहीं रुकता। वहीं डुआई जू के साथ बैठी परेशान हो रही थी। वहीं हम यूमिन को देखते हैं, वो उस बंदे से मिलती है जिसे उसने मैसेज किया था। वो बंदा कहता है कि हाँ उसने मैसेज किया था, लेकिन उसने कोई क्राइम नहीं किया है। यूमिन कहती है वो लाइट भी एक एक्सीडेंट थी। वो बंदा कहता है वो उसने नहीं किया था। इसके बाद हम देख पाते हैं कि उस बंदे ने सब झूठ बोला था, क्योंकि जो असली में सारे क्राइम कर रहा था उसने उसे ब्लैकमेल किया था रिकॉर्डिंग सुनाकर। इसके बाद हम की चान को देखते हैं जो कह रहा था कि अब सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अब उनकी ट्रेनिंग समर में होगी। इसके बाद हम डुआई को देखते हैं जो जिन और जैन से बचकर पागल की तरह इधर उधर भाग रही थी, लेकिन क्लास में भी वो उन्हीं को देखती है। जिसके बाद वहाँ के प्रोफेसर डुआई और जैन को पार्टनर बना देते हैं। वहीं जिन और बाकी लोगों को चूज करने का मौका दिया जाता है आखिर वो किसकी टीम में जाना चाहते हैं। जिन तो डुआई की टीम में जाता है। घर पर जब डुआई की मॉम कुछ बना रही थी तो उसे कहती है कि वो उन चीजों को ट्रायंगल शेप में बनाए। डुआई कहती है उसे ट्रायंगल शेप पसंद नहीं, उसकी मॉम समझ जाती है। वहीं हम योन की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसके पास उसका एक्स हस्बैंड आता है। तभी वहाँ योन आ जाता है और वो उसके एक्स को भगा देता है। नेक्स्ट डे जिन पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका कार्ड उसकी मॉम ने बंद करा दिया है। वहीं जिन और डुआई की मॉम फिर से टकरा जाती है और अपने बच्चों को संभालने को कहती है। जाते हुए डुआई की मॉम साथ ड्रिंक के लिए बोलती है, जिन की मॉम मान जाती है। रात को डुआई अपने भाई को किसी लड़की से बात करते हुए देखती है। फिर वो उससे पूछती है उसे पता कैसे चला वो प्यार में है। इसके बाद हम की चान को यून की बहन के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो की चान को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि उसने कहा था वो पॉपुलर है। यूनिवर्सिटी आने पर वो यून से मिलता है। दरअसल ये की चान की ज्यादा फिक्र करती थी, दरअसल वो भी की चान की तरह थी। इसके बाद हम जू और डुआई को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ जू को पता चलता है कि डुआई का भाई किसी से प्यार करता है, जू उसे पसंद करती थी। इसके बाद हम यूमिन को देखते हैं जो जैन से कहती है वो अब्रॉड जा रही है। दूसरी तरफ आज डुआई को 4 घंटे जिन के साथ और 4 घंटे जैन के साथ बिताने थे, ये प्रोजेक्ट का पार्ट था। जिन उसे एक अपार्टमेंट में ले आता है, कुछ रोमांटिक लाइंस भी बोलता है, लेकिन डुआई को पता चल जाता है क्योंकि वो उसका फोन देख लेती है। और जब जिन उसके पीछे फोन लेकर भागता है तो दोनों बेड पर एक दूसरे को लेकर ही गिर जाते हैं, फिर जल्दी से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद रात को डुआई जैन के साथ डेट पर जाती है, जहाँ वो उससे बातें करती घूमती है, जहाँ वो फाइनली सोच लेती है उसे जैन पसंद है। फिर दोनों यहाँ बहुत देर तक किस करते हैं। इसके बाद डुआई जैन से कहती है कि वो अभी सभी को बताना नहीं चाहती। फिर जैन उसे घर छोड़ने आता है और जाते हुए उसे किस करता है, जो डुआई की मॉम देख लेती है और वो तो डुआई को चिढ़ाने लगती है। नेक्स्ट डे डुआई आकर सबसे पहले ये बात जू को बताती है। तभी वहाँ की चान आकर एक नए मेंबर से मिलता है जिसने डुआई की रिलेशन वाली बात सुन ली थी। इस बंदे का नाम किम डू है। इसके बाद सभी को समर ट्रेनिंग का आलम पता चलता है। जब डू जा रहा था तो चोई को उस पर शक होता है क्योंकि वो ग्रुप में नहीं आना चाहता था, तो फिर वो क्यों आया। इसके बाद डुआई जिन को आकर मना कर देती है और कहती है कि वो जैन से प्यार करती है। जिन कहता है वो कभी हार नहीं मानेगा और रोते हुए वहाँ से बारिश में भीगता हुआ चला जाता है। वहीं हम अब की चान और यून को भी करीब आते हुए देखते हैं। इसके बाद रात को डुआई यून की गर्लफ्रेंड को भी देख लेती है। इसके बाद फिर रात को हम जैन और डुआई को साथ देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम जिन को डुआई को इग्नोर करते हुए देखते हैं। जिसके बाद रात को जिन और किम दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं क्योंकि दोनों को ही लड़कियों ने छोड़ दिया था। अब किम जा रहा था तो वो चोई के बॉयफ्रेंड को उसके दोस्त के साथ उसकी बुराई करते हुए सुनता है, जो कि बहुत ही गंदी बातें बोल रहा था। किम उसे मारता है। तभी वहाँ चोई आकर उसके बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारती है।
और किम को भी डांट कर चली जाती है, जिसके बाद रात को नशे में जिन डुआई के घर पहुंच जाता है और उसके भाई को साले साहब कहने लगता है, जिसके बाद डुआई की मॉम उसे सुनाती है और कहती है उसने क्या कर दिया अब उसके साथ। मॉर्निंग उठने पर जिन आंटी से माफी मांगता है और उन्हें ट्रेनिंग कैंप पर जाना था, तभी वहाँ जिन की मॉम उसका सामान पैक करके ले आती है। दरअसल वो नहीं चाहती थी वो उस ग्रुप में रहे, लेकिन ये तो जिन के लिए अच्छा था, उसे सामान पैक मिल गया। अब जाते वक्त वो बस से जाने वाले थे, लेकिन जिन की मॉम ही उन्हें छोड़ देती है जहाँ उन्हें जाना था वहाँ। सभी यह देख कर हैरान थे कि जिन और डुआई साथ क्यों नहीं आए। इसके बाद सभी एक जगह आ जाते हैं जहाँ स्विमिंग पूल भी था, यानी यह जगह बहुत अच्छी थी। इसके बाद सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद सभी की हालत खराब हो जाती है। तो जो डुआई से कहती है कि उसका तो बॉयफ्रेंड है, कैप्टन ट्रेनिंग कम करवा दे वो। डुआई कहती है हाँ, उससे बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हम जू को देखते हैं, जिसके मॉम डैड उसे बर्थडे विश करते हैं, जिसके बाद वो डुआई से पूछती है कल क्या है, तो वो कहती है उनकी ट्रेनिंग। नेक्स्ट डे सभी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद हम जैन को देखते हैं, जो सभी को कहता है कि ट्रेनिंग बहुत हो गई, इसके बाद सब मजे करेंगे। और तभी सब उठकर उसे ही स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। इसके बाद जब डुआई अकेले जा रही थी, तभी उसे कोई खींच लेता है और ये जान था। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जू उन्हें ढूंढते हुए आती है और दूर से उन्हें साथ देख लेती है। जब जू उदास बैठी थी तो मिंग उसे एक गिफ्ट देता है और हैप्पी बर्थडे कहता है, और कहता है कि उसने उसके कैलेंडर पर डेट देखी थी। जू को अच्छा लगता है। तभी डुआई जू के पास आती है और उसे उसके साथ चलने को कहती है, तो जू पहले तो मना करती है लेकिन फिर चली जाती है। तभी डुआई उसे कहती है वो बस में कुछ भूल गई है, और जब वो बस की तरफ जा रही थी तो जू गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है। तो गुस्सा करते हुए जू कहती है उसने कहा था कि वो नहीं जाना चाहती और वो खुद में खुश रहती है, उसे तो पता भी नहीं उसका आज बर्थडे है। लेकिन तुम मुझ पर ध्यान तो तब दोगी ना जब कैप्टन से तुम्हारी नजर हटेगी। तभी हम देखते हैं सभी उसे हैप्पी बर्थडे सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ खराब हो गया था। जब ये जू को पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद दोनों दोस्त बस में भी एक दूसरे से बात नहीं करती, और सभी को पता चल गया था डुआई और कैप्टन यानी कि जैन दोनों ही डेट कर रहे हैं। इसके बाद सभी वापस आ जाते हैं जहाँ एक गेम होना था, जहाँ जिन डुआई से कहता है वो दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना, वो किसको भी भूल जाएगा। ये सब जैन भी सुन लेता है। इसके बाद डुआई जब अकेले जा रही थी वो एक रूम में से आवाज आती हुई सुनती है। वही हम डू को देखते हैं जिसने इस गेम के बहाने कुछ और ही प्लान किया था। डू डुआई को एक रूम में बंद कर देता है और वहाँ आग लग जाती है। डू को देखते हैं जिसके पास्ट के बारे में हमें बताया जा रहा था, आखिर क्यों किम डू ये गलत काम करने लगा। दरअसल डू बहुत पहले थिया ग्रुप में ज्वाइन होने आया था क्योंकि उसे यूमीन पसंद थी। किम डू कई बारी यूमीन के लॉकर में गिफ्ट्स भी रख दिया करता था, लेकिन फिर किम डू ने जैन को देखा जो कि यूमीन के पास रहा करता था और उसे पसंद करता था, लेकिन किम डू को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से वो उदास रहने लगा। लेकिन फिर किम डू ने बदला लेने का तय किया और उसने जैन और यूमीन की डेट के बारे में ऑनलाइन सबको बता दिया। साथ ही उसे इतना बुरा लगा था कि उसने यूमीन के ऊपर लाइट भी गिरा दी थी। इसके बाद हमें सभी चेयर अप ग्रुप के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि एक गेम खेल रहे थे एक अबॉन्डेंट बड़े से अपार्टमेंट में आकर, जहां जू को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने डुआई को वो सब बोल दिया था उसके बर्थडे के दिन। तभी मिंग उसके पास आ जाता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ मिंग बताता है कि उसने 3 साल पहले थिया में आने का डिसाइड किया था क्योंकि उस वक्त उसे यूमीन और थिया ग्रुप अच्छा लगता था। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जिसे जैन दिख जाता है। जिन उसके पीछे भागता है। वहीं योंगिल भी चोई से मिल जाता है। यहाँ पर योंगिल चोई से कहता है कि उसे वो अच्छी लगती है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अच्छा नहीं लगता जब वो उसे बुरे लड़के के साथ देखता है। वहीं डुआई को कोई आवाज आती है, वो एक रूम में आ जाती है तो किम उसे वहाँ बंद कर देता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ आग लग जाती है। जब सभी को ये पता चलता है तो सभी उस तरफ भागते आते हैं, लेकिन जब तक किम डुआई को बचा चुका था तभी सभी किम को शुक्रिया कहते हैं डुआई को बचाने के लिए। इसके बाद जैन को पता चलता है कि जिस रूम में डुआई थी उस रूम का गेट बंद था और ये अजीब था। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं, डुआई ठीक हो जाती है और उससे मिलने जू आती है और उससे बर्थडे वाले दिन के लिए वो डुआई से माफी मांगती है और दोनों वापस से पहले की तरह ही बात करने लग जाते हैं। वही मीटिंग में जहाँ किम भी बैठा था वहाँ जैन सभी से कहता है कि उसे ये एक्सीडेंट नहीं लगता जो डुआई के साथ हुआ। इसके बाद रात को जब डुआई जू को छोड़ने बाहर आती है तो वहाँ जैन को देखती है तो जू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों कपल बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जैन सभी को बहुत सारा काम देता है। कुछ लड़कियाँ कहती हैं वो जैन से बात करके उनकी ट्रेनिंग कम क्यों नहीं करा
दी थी। डुआई कहती है वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद जब जिन और डुआई एक साथ काम करते हुए बात कर रहे थे तो दूर से उन्हें जैन भी देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इसके बाद जब जैन और डुआई साथ में अकेले बात कर रहे थे तभी वहाँ जिन और डोंगी ला जाते हैं। डुआई और जैन दूर होने लगते हैं तो जिन कहता है अब वो दूर होने का नाटक ना करें, उन्हें सब पता है। वहीं दूसरी तरफ हम जू और मीन को साथ देखते हैं। सभी चश्मे की वजह से उसका मजाक बनाते थे तो जू उसका चश्मा ही हटा देती है और जब जू उसे देखती है तो वो उसे काफी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वहीं हम की चान को देखते हैं जो यून की बहन को रिजेक्ट कर देता है। दरअसल यून की बहन उसे बहुत पॉपुलर समझती थी और की चान जानता था उसे पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। जाते हुए यून की बहन उसे पूछती है उसे कौन पसंद है। घर पर आने पर यून की बहन उससे पूछती है उसकी डेट कैसी गई। वो कहती है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। दरअसल की चान यून को पसंद करता था। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो घर आता है तो हम उसकी मॉम को वहाँ बेहोश देखते हैं। जिसके बाद जिन डुआई की मॉम को कॉल करता है और हॉस्पिटल बुलाता है। डुआई को भी आज डेट पर जाना था जैन के साथ लेकिन वो नहीं जाती। इसके बाद जिन को उसके डैड का कॉल आता है तो वो बहुत गुस्सा करता है अपने डैड के ऊपर और कहता है अगर वो ठीक होती तो हॉस्पिटल में नहीं होती। इसके बाद डुआई की मॉम के कहने पर जिन उसके घर पर आ जाता है जिन्हें साथ में जैन भी दूर से देख लेता है। इसके बाद हम जुनसो को देखते हैं जिसके पास किम आता है। जुनसो किम का साथ देने के लिए यहाँ मना कर देता है क्योंकि अब किम के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी जिससे वो उसे ब्लैकमेल कर सके। इसीलिए किम जुनसो को चाकू मार देता है। वहीं हम डुआई को देखते हैं जिसे कोई बुरा सपना आता है जिसके बाद जैन उससे मिलने आता है। इसके बाद हम जिन की मॉम के पास डुआई की मॉम को देखते हैं जिसके बाद जिन भी वहाँ आ जाता है। जिन की मॉम जिन से कहती है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी, वो नहीं पिएगी लेकिन जिन उसे स्ट्रेस लेने से मना करता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हम डुआई और जैन को साथ बैठा हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर डुआई की मॉम जिन को लेकर आ जाती है उसके घर खाना खिलाने के लिए। वहीं जैन भी आया हुआ था इसीलिए वो भी डुआई के घर में ही डिनर करता है। जहाँ जिन जेई को सिन इन लोग कहकर बुलाता है तो जैन कहता है वह ऐसा क्यों बोल रहा है। जेई कहता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसकी मॉम उसकी तरफ देखकर कहती है तमीज कहाँ गई। जब जिन और जैन साथ घर जा रहे थे तो डुआई की मॉम उसे चिढ़ाने लगती है। जिसके बाद हम जैन और जिन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आकर और ड्रिंक करने लगती है। नेक्स्ट डे चोई जैन को बताती है कि जुनसो उसका फोन नहीं उठा रहा, उन्होंने कहा था वो हॉस्पिटल में है। इसके बाद हम दूसरी टीम की कैप्टन को देखते हैं जो थिया ग्रुप के पास आती है और उन्हें टीवी पर परफॉर्म करने को कहती है। दरअसल वो अपना नाम कराना चाहती थी लेकिन चोई उसे उनके सारे ड्रेस उन्हें देने को कहती है। वहीं हम मिंग को देखते हैं जो ग्रुप में आता है जो सभी उसे देखकर हैरान थे, वो लगी हैंडसम रहा था। जिसके बाद हम की चान को यून की मदद करते हुए देखते हैं जहां यून उसे रात को साथ ड्रिंक करने को कहती है। जिसके बाद डुआई को भी पता चलता है कि जू और मिंग के बीच कुछ चल रहा है। जिसके बाद हम डुआई की मॉम को जिन की मॉम के साथ हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए आया हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ योंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 100 डेज की एनिवर्सरी मनाने की तैयारी कर रहा था जिसे डुआई भी देखकर हैरान थी। वहीं हम यून और की चान को साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं और दोनों बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। तभी यून वहाँ एक कपल को किस करता देखती है और की चान से कहती है उसे भी किस करना है। वहीं किम जैन को कहता है कि जुनसो अभी कहीं चला गया है। इसके बाद टीवी के लिए सबका इंटरव्यू शुरू हो जाता है जहाँ सभी को अपने बारे में बताना था, साथ ही एक दूसरे से कॉम्पीट करना था। दूसरी टीम की कैप्टन के साथ डुआई का मुकाबला भी होता है जिसे कैप्टन ही जीत लेती है लेकिन इसके बाद रेसिंग मुकाबला होता है जिसे डुआई कैसे तो मुश्किल से उसे जीत ही लेती है। इसके बाद हम जू को देखते हैं जो मिंग को देखती है जिससे काफी लड़कियां बात कर रही थी। यहाँ चोई योंग गिल को साथ डिनर करने को कहती है। रात को दोनों साथ डिनर करते हैं जहाँ चोई कहती है कि वो ही गलत थी, वो समझ गई है। इसके बाद जब डुआई घर आती है तो उसे जिन की मॉम का कॉल आता है। उसे पता चलता है उसकी मॉम को कैंसर है लेकिन वो सर्जरी से ठीक हो सकती है, इसलिए डुआई अब और ज्यादा काम करने का डिसाइड करती है। इसके बाद जैन उसे फ्लावर्स देता है, वो जब भी खुश नहीं होती। जिसके बाद दोनों साथ खाना खाने बाहर भी जाते हैं जहाँ डुआई जैन से ब्रेकअप करने को कहती है। घर आने पर वो अपनी मॉम के साथ बहुत रोती है। वहीं योन की गर्लफ्रेंड अब्रॉड जा रही थी, वो दुखी था बहुत। वहीं हॉस्पिटल में आकर किम जोनसू को मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले वहाँ कोई आ जाता है तो वो भाग जाता है। इसके बाद जोनसो कॉल करके जैन को सब बता देता है। जब सभी को ये पता चलता है इसलिए सब सावधान हो जाते हैं। इसके बाद जू को देखते हैं जो मिंग को देख रही थी जिसके साथ बहुत सारी लड़कियां बात कर रही थी लेकिन मिन उसी के पास आता है। जिसके बाद हम सभी को देखते हैं जिसके बाद सभी डिनर करने को योंग के बार में आते हैं तो वहीं डुआई
को सभी पैसे इकट्ठा करके भी देती है, जिससे डोआई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सभी को शुक्रिया कहती है। इसके बाद मीन जू के पास आता है और कहता है कि वो उसे पसंद है। जू कहती है उसने इतना टाइम क्यों लगा दिया, अब से वो बस उसके लिए चार्मिंग बने, बाकी लड़कियों के सामने ना बने। इसके बाद वो उसे घर ले जाती है रेमन खिलाने। इसके बाद हम सभी को साथ देखते हैं जहां मिंग जैन से कहता है कि उसे ऐसा लगा उसने बाहर किम को देखा, और तभी जिन और जैन परेशान होकर डुआई को ढूंढने जाते हैं। वहीं हम बाहर डुआई को देखते हैं जिसे किम पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां बीच में जैन आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। इसके बाद टाइम रहते सभी लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन उस किम को पकड़ता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। तभी की चान और योंग गिल उसे पकड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद सभी जैन को हॉस्पिटल लाती हैं। सभी दुखी थे और डुआई तो बहुत रोती है क्योंकि उसे लग रहा था उसकी वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डुआई जैन के पास आती है तो जैन उससे कहता है कि क्या हीरो की तरह चाकू पकड़ा था मैंने। डुआई कहती है वो पागल है क्या, ये सारी बातें जो लेडीज वहां बैठी थी वो सुन रही थी और कह रही थी कि अगर ये बात इनकी मॉम सुनती तो जरूर मारती। तभी जैन की मॉम कहती है मैं भी वही सोच रही थी। मॉम को देखकर जैन सो जाता है और जैसे उसके टीम मेंबर्स आते हैं तो जैन तुरंत उठ जाता है। वापस जाते वक्त जैन की मॉम डुआई को रोज जैन के पास आने के लिए शुक्रिया करती है। इसके बाद जिन भी जैन से मिलने आता है। घर आने पर डुआई को उसकी मॉम नहीं दिखती, वो परेशान हो जाती है। रात को उसकी मॉम को जब वो देखती है वो बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। इसके बाद जब सभी चेयर अप ग्रुप के मेंबर्स के साथ बैठे थे तो जू कहती है उसकी दोस्त डुआई भी वहाँ होती, सभी यही सोच रहे थे कि तभी वहाँ डुआई आ जाती है। उसे देखकर सभी खुश थे। वहीं डुआई की मॉम की सर्जरी हो गई थी क्योंकि उन्होंने उनके लिए भी कुछ पैसे दे दिए थे। जिसके बाद हॉस्पिटल में जिन की मॉम उससे मिलने आती है। दोनों यहाँ बात करती हैं कि उसके बच्चे चेयर अप ग्रुप में जाकर बहुत बदल गए हैं, वो खुश है अपनी जिंदगी में चाहे वजह कुछ भी हो। इसके बाद हम योंगिल और जिन को जिन के घर पर खाना खाते हुए देखते हैं क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम ही थी। वहीं की चान यून को कह ही देता है वो उसे पसंद करता है। इसके बाद जब जैन डुआई से मिलता है तो उसे जे ही घर में ले जाता है और डुआई से कहता है ये दुनिया बहुत खराब है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। इसके बाद हम डुआई को घर पर देखते हैं जहाँ उसे एक सिगरेट मिलती है तो वो अपनी मॉम को डांट रही थी कि तभी उसका भाई आता है और कहता है वो उसकी है, तो डुआई उसे बहुत मारती है। जिसके बाद डुआई की मॉम जिन की मॉम के घर आ जाती है। वहीं हम योंग की शादी देखते हैं जहाँ सभी लोग आए थे। डुआई की वॉइस ओवर बताती है कि वो समय निकल गया है जब वो मजे किया करते थे, वो एक अच्छी मेमोरीज है। वहीं जिन और योंगिल डॉक्टर बन चुके थे। वहीं मिंग और जू अब नए टीम के लीडर बन चुके थे। सभी लोग एक बार फिर योंग की पार्टी में मिलते हैं। वहाँ वो बंदा भी आया था जिसने 3 भविष्यवाणी की थी। जू कहती है उसकी भविष्यवाणी झूठी निकली। यहाँ वो बंदा कहता है कि उसने भविष्यवाणी की थी कि कोई अकेला रह जाए और अंदर मर जाएगा। तभी जू कहती है फिर भी ये भविष्यवाणी गलत है क्योंकि वहाँ 2 अकेले बंदे थे, योंगिल और जिन, लेकिन ऐसा नहीं था। चोई और योंगिल तो छिप कर डेट कर रहे थे। इसके बाद सभी साथ बाहर आते हैं और एक बार फिर उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ इन्होंने एक साथ टाइम बिताया था। फिर से सभी साथ बैठते हैं। डुआई जैन के साथ अलग बैठ जाती है। जिसके बाद डुआई और जू सभी को दोबारा डांस करने को कहती है और सभी फिर से डांस करते हैं और साथ ही बहुत खुश थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।